Okay, so Prasanna, you will brief me about your education and experiences that you have till now. Okay, sir, in my undergraduate program, after all, I am doing BA, let me be honest. Your voice is not clear. Somehow, need to check your setup for voice clarity. Now, sir? No. Now? Okay. Start now. Okay, so sir, I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, and after 12th, I am doing BLLB honors. I am in the final year of BLLB honors from Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indore, and I have also done three major diplomas in cyber law, e-commerce, and research and drafting. And I have previously worked in interns with 181. Women Helpline, Ministry of Women and Child Development, Government of Chhattisgarh. I have also worked with Nehru Yuva Kendra, Ministry of Youth Affairs, Government of India as a volunteer. And I have interned with Delhi-based think tank, Jammu and Kashmir Study Center. And I have also done work with some NGOs and some social organizations. Internship that you have done with government organizations. Yes, sir. So, one second, can you list the internship that you have done again? Sorry, sir. जो भी आपने internship किया है उसको एक बार और बताओ. Sir, 181 Women Helpline Chhattisgarh, Jammu and Kashmir Study Center. Yes, or some social organizations like with Jagua based organization Shiv Ganga, and I have also worked with as an intern with. I'm talking about what have you done at Jammu and Kashmir for this? उसमें क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी? सर एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर ये एक थिंक टैंक है जिसपे रिसर्च इसकी कई विंग्स हैं जिसमें मीडिया भी है लॉ भी है लीगल रिसर्च भी है और कई तरह की स्टडीज है. वैसे तो इसका पूरा जो वर्क है वो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, बट इसमें जो मुझे वर्क दिया गया था वो ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था. तो ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट था वो 1967 में जो ब्रिटेन पीएम विल्सन थे उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश करवाने का काम शुरू किया था. उनका मेन रीजन इसके पीछे ये था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के बारे में इंडिया में या पाकिस्तान में झूठ फैलाया जा रहा है कि किस तरह से उनका रोल रहा पार्टीशन में या उसके पहले जो उसके समय जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए तो उसमें क्या रोल रहा, उसके कारण से ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था. तो ये 1942 से 1947 तक का डॉक्यूमेंट है. तो जो वहां पे मेरा काम था इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना था, बेसिकली जो मेरा डेडिकेटेड रिसर्च था वो ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट में जो द फर्स्ट डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम 2 अप्रैल 1947 टू लास्ट डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर द 15th अगस्त 1947. सो इस ड्यूरेशंस में जितने भी पर्सनल कम्युनिकेशंस हुए थे बिटवीन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटेन पीएम एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन ब्रिटेन, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना था और उनमें से ये फाइंड आउट करना था कि उस समय की जो ग्राउंड लेवल सिचुएशन थी इंडिया में क्या थी. उस समय जो क्रिप्स मिशन वापस भेजा गया वो क्यों भेजा गया, मुस्लिम लीग्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस की उस समय जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें क्या रोल था, यहाँ पर जो पॉवर्टी थी उस समय मेजरली एरियाज में ड्रॉप थी और फूड स्कार्सिटी थी तो उसको कैसे डील किया, और INA का क्या रोल था, और स्पेसिफिकली जो लास्ट के 2 से 3 ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट्स थे उसमें मैंने जो काम किया वो रिलेटेड थे द एक्सेशन ऑफ स्टेट स्पेशली त्रावणकोर हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो वहां पर कई ऐसी सारी सीक्रेट डॉक्यूमेंट थी कि जो ब्रिटेन पीएम वहां पर भेजते थे, ब्रिटेन पीएम को भेजे जाते थे. तो ये 1987 में राजीव गांधी इनको इंडिया लेकर के आए थे सारे डॉक्यूमेंट्स. तो ये मेरा वर्क था सर वहां पे. एनी फैक्ट व्हिच इज अगेंस्ट द मिथ दैट हैज बीन स्प्रेड
कोई ऐसा मिथ आपने देखा है जो मतलब वी नो एज अ मिथ बट दैट्स नॉट ट्रू व्हाइल डूइंग दैट रिसर्च यू नो व्हाट इज द फैक्ट व्हाट इज द ट्रू फैक्ट यस सर सर सबसे बड़ा जो एक मुझे मिथ उसमें समझ में आया उस समय जो स्प्रेड किया गया वो अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर एक्चुअली उस समय मैंने इस रिसर्च को करने से पहले अभी जम्मू एंड कश्मीर है जो स्टडी सेंटर है वो इस रिसर्च को मेरे कोट कर रहा है कई जगह इसको करने से पहले मैंने हर जगह यही सुना था कि द महाराजा ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राजा हरि सिंह वो जो थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था नाइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया नॉर टू द ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान मीन्स वो नहीं चाहते थे कि इनको ज्वाइन करें बट मैंने वहां पर जब रिसर्च डॉक्यूमेंट पढ़ा तो उसमें क्लियर कट था कि वो जो एक्सेशन डेट है उसके पहले ही वो साइन कर चुके थे एक्सेशन और उनका इंडिया से लेकर के इंडिया से रिलेशंस डोमिनियन ऑफ इंडिया से इतने दृढ़ थे कि उन्होंने 1945 टू 1947 अभी जो हम रूट देख रहे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर जो श्रीनगर से जोड़ता है जम्मू को उस रूट को उन्होंने स्वयं बनवाया था कि जो कि इंडिया का जो बाकी पार्ट है पंजाब प्रोविंस है उसको जोड़ा जा सके शायद ये हिस्ट्री में मुझे ऐसा लगा कि सब बहुत बड़ा काम था जो इतना कम समय में इतना बड़ा रूट और लैक ऑफ रिसोर्सेज के बावजूद बहुत बड़ा काम था सो टेल मी द अदर इंटर्नशिप इसके अलावा और कौन से किया आपने यस सर दो आपने बता दिए वन एट वन एंड दिस वन नेक्स्ट सर एट द ऑफिस ऑफ एडिशनल एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ एमपी उसमें क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी सर दिस वाज द माय सेकंड इंटर्न ऑफ माय लॉ डिग्री सो बेसिकली दिस इंटर्न वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट और जो ऑफिस ऑफ एजी पे जो केसेस आते थे एडिशनल एडवोकेट जनरल सर के जिनमें से बेसिकली जो थे सारे रिट पिटीशंस के केस आते थे जो भी चार रिट्स हैं उनसे रिलेटेड केसेस होते थे तो उसमें जो स्टेट के रिप्लाईज होते थे वो सर की तरफ से जाते थे तो मैं उनकी स्टडी करता था और वो रिट्स को समझने की कोशिश करता था और इसके अलावा कुछ बेल्स के होते थे जिनमें स्टेट वेलफेयर ऑफ स्टेट से रिलेटेड पीआईएल्स होती थी तो ये सारी चीजों पे मैंने वहां पे वर्क किया था और इंटर्नशिप कौन सी सर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंदौर में थी जो कि बार काउंसिल के प्रेसिडेंट थे उनके अंडर में थी वहां पे क्या था वहां सर ये नॉर्मल प्रोसीजर थी लाइक वर्क रिलेटेड टू दी ऑफिस ऑफ कलेक्टर ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस ऑफ रिलेटेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बेल कैसे फाइल की जाती है किसी भी चीज का एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है कोर्ट में डेट एक्सटेंड करवानी है तो क्या होगा डिटेल बेल कैसे फाइल की जाती है जी सर सर इसका एक प्रोफार्मा होता है जिसे फिल किया जाता है और जो लोकल पुलिस थाना होता है उसकी जो एफआईआर की कॉपी होती है उसको लेकर के अगर ये प्रायर टू दी चार्ज शीट अगर हमें बेल चाहिए उसके लिए है तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके जो वहाँ का लीगल सेक्शन होता है उसमें किया जाता है उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कौन से कोर्ट रूम में लगाना चाहते हैं और वो कोर्ट रूम हमें अलॉट होता है और एक डेट अलॉट होती है एक तो ये हो गया दूसरा होता है कि अगर चार्जशीट फाइल कर दी गई है या इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो गई है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होती है बस उसमें ये होता है कि हमें चार्जशीट में क्या क्या आरोप लगे हैं वो लगाना होता है और इसके बाद अगर वह रिजेक्ट कर दी जाती है तो वो बेल जो है हाई कोर्ट जाती है अगर रिजेक्ट करते हैं तो जो जजेस हैं वो डिसीजन में हमें प्रेस बेल एप्लीकेशन फाइल करने का एक फ्रीडम देते हैं जो कि मेंशन्ड होता है वहां पे सर बाकी जो है मैंने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क किया है एनजीओज में जैसे यहाँ पर इंदौर में एक शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी करके है वो स्टूडेंट्स के एज अ लोकल गार्जियन कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है उनके साथ काम किया है और इसके अलावा एक सर ओन वो मैं 181 सर हेल्पलाइन है एक दूसरी एमपी गवर्नमेंट की
तो सर कोविड के टाइम मैंने उसमें जो भी पोर्ट स्कार्सिटी थी, जो लोग ये फेजेस कर रहे थे, उसमें मेरा सर मॉनिटरिंग का काम था, तो वहां पर सीएम हेल्पलाइन ऑफ मध्य प्रदेश में भी काम किया है। सर एक्चुअली दी पास्ट वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप्स आर द मेन रीजन व्हाई आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स। लाइक द टीएसएलएलएम जो है वो प्योर लॉ कोर्स नहीं है ये, बल्कि एप्लीकेशंस ऑफ लॉ की बात करता है, जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ लॉ पर्सन बहुत ज्यादा एक गैप है वहां पर होने की बात करता है। जो पुअर मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उन तक लॉ पहुंचाने की बात करता है। एक्सेस टू जस्टिस मतलब यहाँ पे सिर्फ कोर्ट रूम प्रोसीजर की बात नहीं है, मींस मैं साथ ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम करना चाहता हूँ जो ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे जो गवर्नेंस में लीगल एडवोकेसी, लीगल लिटरेसी और सिविल सोसाइटीज के साथ काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो लॉ का पुराना नॉलेज है और जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है वो इस पर्टिकुलर कोर्स पे काफी फिट बैठते हैं, इसलिए मैं ये एलएलएम एक्सेस टू जस्टिस करना चाहता हूँ। यस सर, फर्स्ट प्रेफरेंस वाज एलएलएम एंड द सेकंड प्रेफरेंस वाज रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस। यू डिड नॉट गेट कॉल फ्रॉम दैट? नो सर, आई डिडंट गेट कॉल। सर एक्चुअली जो एलएलएम है, जो कोर लॉ है, वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करता है। वहां पे हम सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, वहां पर गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स, चाहे लॉ एंड जस्टिस से हो या सोशल एम्पावरमेंट की स्कीम्स हो, ये सारी चीजों पे हम वर्क करते हैं। लेकिन जो मैंने रेगुलेटरी गवर्नेंस पे अप्लाई किया था, उसमें जो रेगुलेटरी स्पेसिफिक रेगुलेशंस की बात करता है, चाहे ये सेबी से रिलेटेड हो या तो फिर ये पर्टिकुलर किसी रेगुलेटरी बॉडी जैसे एनजीटी हो गई, वुमेन कमीशन हो गया, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि ऑल्दो एक नैरो पर्सपेक्टिव है लेकिन एक स्पेशलाइजेशन होगा। जैसे मुझे साइबर लॉ में मैंने डिप्लोमा की हुई है, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर किसी साइबर रेगुलेटरी बॉडी में जाता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी एक स्पेशलाइजेशन होगा कि जो मैं अपने इंटरेस्ट के फील्ड में वर्क कर सकूंगा। ऑल्दो ये एक नैरो होगा लेकिन काफी अलग और डीप वर्क होगा, इसलिए मैंने रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस चूज किया था। While going through, while making any expressway, they have to acquire all the lands which is which from where the expressway will pass. So इसमें क्या है कि जैसे कई सारी lands जो हैं they belongs to the landlords, है ना, एक बड़ा land zone है जो landlords को belong करता है, but that land is being used by n number of other farmers जो उसके लिए खेती करते हैं लैंडलॉर्ड के लिए, एंड दे गेट देयर लाइवलीहुड फ्रॉम दैट प्लेस। सो नाउ जब लैंड एक्विजिशन बिल है, सो वो तो लैंडलॉर्ड को पैसा देगी लैंड एक्विजिट करके, बट द लाइवलीहुड इज बीइंग लॉस्ट, जो वहाँ फार्मर्स थे उनकी लाइवलीहुड लॉस हुई। सो दे दोज फार्मर्स डजंट हैव एनी लीगल राइट्स टू क्लेम ओवर दैट लैंड, है ना। But do you think that there should be some provision for those people? And if you think that there should be, how do you go ahead with that? Okay, I will start this with giving the example of my own state, Madhya Pradesh, where the actually in which area which from I belong is a tribal area, and the lot of land is going in the part of Sanjay Gandhi National Park, Dhubri. It's located in tribal area. So what the government is doing, like they are giving the tribals जो वहां पर रह रहे हैं उनके पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके कोई पट्टे नहीं है, लेकिन उनकी लैंड ली जा रही है
इसके बदले में गवर्नमेंट उनको जो भी एमपी गवर्नमेंट की लैंड है, जो गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है बाकी जगह पर है, वहां पर एक स्पेसिफिक एरिया का एक पट्टा उनके नाम कराएंगे, मींस उनके नाम वो रिकॉर्ड में की जाएगी, जबकि पहले उनके नाम वो रिकॉर्ड में नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लैंड एक्विजिशन से फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल है 70% लोगों की परमिशन होनी जरूरी है, उसके बाद आप मेरी क्वेश्चन को अपने ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेसवे के लिए एक ऐसा लैंड एक्वायर करना है जो किसी एक आदमी को बिलोंग करता है, ठीक है, बट वो आदमी खुद खेती नहीं करता, ही इज नॉट द फार्मर, ही इज द लैंडलॉर्ड। उस पे करीब 50 लोग खेती करते हैं। अब जब लैंड एक्विजिशन होना है, गवर्नमेंट विल टेक लैंड फ्रॉम दैट पर्सन जिनका लैंड है एंड गिव ऑल द कंपनसेशन टू दैट पर्सन जिनका लैंड है, बट द 50% जो वहां पे काम करते थे, who were the farmer at that land, they have lost the livelihood. So in this case, do you think there is a legal right to those farmers who were basically working for the land which was under some other person? उनके उनके उनका कोई legal right है to ask for the compensation for their livelihood? और अगर है या नहीं है, दोनों केस में what do you suggest कि उनको कैसे जस्टिस मिलना चाहिए? Yes sir, first of all, अगर ऐसे बड़े फार्मर्स से लैंड ली जाती है जिनके यहाँ पर मोस्टली वर्कर्स काम करते हैं, तो वर्कर्स का जो लाइवलीहुड जो जाएगा, वो उनके पास भी राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत है। But the lost livelihood, yes sir, मिलने का राइट है कि नहीं? Yes sir, so that will be violated, okay? So they can ask for the compensation. From proof, there is no. But in the present conditions, they are not getting the compensation. I think. Government gives compensation against the land. Huh. Government doesn't give any compensation against the livelihood. No. How do you both. Think they should be fighting? There should be some provision for that. Agar, if you think that, like, if you think in that way, how yes. How do you demand for the justice? In what are the your What will be your reasoning for justice? First of all, as the law talks, like the compensation is only for the land. I will talk in the two aspects of the same. So, लॉ के हिसाब से जिनकी लैंड है उनको ही कंपेंसेशन मिलेगा लैंड ऑनर्स को, उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता, जिनका है उनको मिलेगा, जिनका नहीं है उनको नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, जो लोगों लाइवलीहुड जा रहे हैं उनके पास राइट टू लाइवलीहुड है, उसमें क्या किया जा सकता है कि जैसे सर किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई सुगर मिल लग रही है, वहां पर एक आदमी के पास 300-400 एकड़ लैंड है, उसी की लैंड में वो सुगर मिल लग रही है, लेकिन वहां पे काम करने वाले 10-15,000 हैं, तो वहां पर जो वर्कर्स हैं, you are telling me the solution that government can give. Yes sir, I'm asking you if they are not getting justice and if you are going to the court, how will you ask for the justice, on what behalf, on what reasoning you will ask the justice? Yes sir, I will ask under the article 21 of the constitution, right to life and livelihood, where the plaintiff says that everybody has they are independent to choose their livelihood options. Hello. Yes sir, no sir, but us particular kya bolte particular us project se unka livelihood ja raha hai jo kai saalon se unse juda hua tha, usme hum court ke paas ja sakte hain उसको बेसिस बना करके। जैसे अभी एक कर्नाटका में एक रूल आ गया कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है वो अपने ठेले और गुमटियां नहीं लगा सकते हैं। वहां पे अंडर द सेम लॉ वहां पे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ऑल्दो राइट टू हेल्थ भी सबका राइट है, लेकिन किसी की लाइवलीहुड को लाइक वेलफेयर ऑफ स्टेट भी अपनी जगह है, लेकिन उसके नाम पर आप किसी का लाइवलीहुड नहीं छीन सकते हैं, और अगर छीन रहे हैं तो उसका ऑप्शन देना होगा। मुझे ऐसा लगता है सर ये जो केस लॉ है ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा इसमें। तो मैं अभी व्हाट्सएप किया द मार्क्स दैट आई हैव गिवन यू, यू कैन जस्ट सी। डायरी मेरे पास अभी था नहीं, सो आई गिव यू अराउंड आई थिंक 69 मार्क्स। If you'll add all these, you'll get 69 and little plus, you know. So the last question that you were
वो एनालिटिकल एबिलिटी चेक करने के लिए मैंने पूछा था, बट यू लॉस्ट द कॉन्टेक्स्ट टू टाइम्स, है ना, एंड यू वर नॉट मतलब थिंकिंग इन द डायरेक्शन वेयर आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है, तो वो थोड़ा दिक्कत किया, अदरवाइज योर डायरेक्ट इंटरव्यू वॉज वेरी गुड, ठीक है. प्रेजेंटेशन में भी मैंने 13 दिया, बट इट कैन बी बेटर देन दैट, मार्क्स में ज्यादा मिल सकता है, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव था. Content is okay, career orientation is okay, subject related knowledge bhi maine 13 diya, but it you can get little more marks than that. Aur analytical ability mein is pe thoda dhyan rakhna padega ki jo aapka wo hai na kya the panel hai, koi na koi ek question aisa zarur puchega jahan aapke paas quick knowledge nahi. Jaise isse pehle maine tumne pucha ki aapne internship mein kya kiya, so if you have done your internship aap usko bata sakte ho, that you told me very well, hai na, so that was okay. All the other things that I've asked, वो तुम्हें पता था तो तुमने बहुत आराम से बताया, अपना career orientation भी आपने बताया, but इस question को आपको नहीं पता था तो आपने ध्यान से सुनना चाहिए था आपको कि exactly सर पूछ क्या रहे हैं. तो अगर तुम उसी direction में अगर reply कर रहे होते, है ना, किए होते, और भले ही वो इतना effective नहीं होता, हो सकता है, still I would have given you little more marks than that. But फिर भी मैंने दिया है, ये थोड़ा इससे कम भी हो सकता है analytical ability, ठीक है. So otherwise it was good. बस थोड़ा ध्यान देखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं विच यू कैन नो कि ये ऐसा ही क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता है, बट द पैनल स्टिल वॉन्ट्स मी टू एनालाइज द सिचुएशन एंड स्पीक अबाउट दैट. ठीक है सर. वो मैंने लास्ट वाला ना, आपकी आवाज भी बहुत ब्रेक हो रही थी, तो मैंने दो बार में तो क्वेश्चन सुना मैंने.